सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप गधे कराते हैं। सच बोल रहा हूं मैं, क्या आपने ऐसा सुना है? मुझे कुछ नहीं होता, मेरे कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत मजबूत हूं। हेल्थ चेकअप भाई गधे लोग कराते हैं। दोस्तों ये जो बात मैंने बोली कि हेल्थ चेकअप गधे करवाते हैं, ऐसा सुना होगा आपने और बड़ी जोश के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े घमंड और बड़े दंभ के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस नहीं बोले ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लोग कहते हैं कि हेल्थ चेकअप गधे कराते हैं और रेगुलर इंटरवल में हेल्थ चेकअप करवाना बेवकूफी है, कुछ नहीं फालतू की बात है, मेरे को कुछ नहीं होता, असी जट्ट है, ये बेकार की बातें हैं। और ये वो लोग बोलते हैं, मुझे लगता है ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये लगता है कि मैं ऐसे करके अपने अंदर का जो इंसान है, अपने अंदर का मैनेस नेचर है, उसको आगे बताऊं, लोगों को बताऊं। पर क्या आपने सोचा है कि गाड़ी पंक्चर होने के पहले हवा चेक कर ली जाए, गाड़ी का एक्सल टूटने के पहले रेगुलर ऑयलिंग हो जाए, या गाड़ी का कोई सामान पूरी तरह डैमेज होने के पहले आप गाड़ी को चेकअप कराते हैं, करवाते हैं? जब हम अपनी कार लेते हैं, आपकी कार कितने की है बताओ, आपकी कार कितने की, आपके पास कार है ना, आपके पास बाइक है ना? यदि आपके पास बाइक है, यदि आपके पास कार है, तो आप उसका रेगुलर सर्विसिंग तो करवाते हैं। जब आप रेगुलर सर्विसिंग करवाते हैं, जब आप रेगुलर सर्विसिंग करवाते हैं अपनी बाइक की, अपनी कार की, तो आपको अपनी बॉडी का हेल्थ चेकअप करवाने में क्या समस्या है? हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? ताकि जब बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल हमारे खर्चे को वहन करे, और हॉस्पिटल का जो खर्चा है, सॉरी हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो बीमा कंपनी वहन करे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा होता नहीं, यदि होता भी है तो हम अपनी जमा पूंजी अपनी हेल्थ पे खर्च ना करें। इसीलिए हम एक छोटा सा हेल्थ प्लान लेते हैं और उस हेल्थ प्लान को लेकर हम ये सोचते हैं कि अब कभी भी भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो बच जाऊंगा। पर भविष्य को कौन जानता है? भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है यदि वर्तमान ही ठीक हो जाए? हम बाद में क्यों सोचें, या बीमार होने के बाद गाड़ी क्यों सुधारें? किडनी डैमेज हो गई तो कहां से लाओगे? लीवर डैमेज हो गया तो कहां से लाओगे? हार्ट अटैक आ गया तो कहां से जाओगे? तो जब आपको पता है कि आप कभी ना कभी तो बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तो जीवन शैली नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। सेडेंटरी का मतलब होता है बहुत ही सैड एंट्री, मेरे शब्दों में सैड एंट्री, सैड मतलब खराब, एंट्री मतलब आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने अपनी लाइफ में 24 घंटे में 20 घंटे बॉडी को मूवमेंट ही नहीं कराना है, ये सोच लिया है, हाँ या ना? गलत बोल रहा हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 24 घंटे में से 20 घंटे आपका बैठने और लेटने में जाता है, 4 घंटे ही आप मूवमेंट करते हैं, उस 4 घंटों में भी रेगुलर जो आपके काम होते हैं, लैट्रिन जाना आना, बाथरूम जाना आना, खाना खाना, खाना खाने की उतना, कुछ लोग जो पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करते हैं, और थोड़े बहुत ऑफिस के काम में मूवमेंट, बस बाकी टाइम 20 से ज्यादा घंटे, स्टडी के मुताबिक बोल रहा हूं, 20 से ज्यादा घंटे हमारे देश का युवा और पूरी दुनिया का युवा, यूथ जनरेशन, 100 में से 95% जो युवा है उसकी बात कर रहा हूं, 5% है जो थोड़े अवेयर होकर एक्टिविटी करते हैं, बाकी 95% लोग 20 घंटा कम से कम, 24 में से 20 घंटा वेस्ट करते हैं केवल सोने और बैठ के काम करने में। आज जब इस वीडियो के बारे में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि अब से जो वीडियो बनेंगे वो खड़े होके बनेंगे, ताकि मैं भी अपनी लाइफस्टाइल में एक और बदलाव करूं। मेरे वर्कआउट होते हैं, मैं गेम्स खेलता हूं, सब करता हूं,
बॉडी भी दिख रही होगी, भगवान की दया से माशाल्लाह अच्छी है। लेकिन आज से वीडियो खड़े होकर बनेगा और पूरी एनर्जी के साथ बनेगा, क्योंकि यदि मैं करूंगा तो आप करोगे, मेरी आदत में आएगा तो मैं आपको बोल पाऊंगा कि आप करोगे, यदि मेरी ही आदत में नहीं रहेगा तो आपकी आदत में कैसे आएगा। हेल्थ प्लान ले लिया, 5000 से 6000 से लेके 12000 15000 20000 तक की सालाना किस्त पटा दी, लेकिन 20 मिनट 12 मिनट से लेके 20 मिनट का वर्कआउट डेली नहीं होता। एक स्टडी बोलती है कि एक हफ्ते में 7 दिन में यदि 3 से 4 घंटे भी यदि फिजिकल मूवमेंट आपका हो गया आपकी बॉडी के लिए तो काफी है। तो गाड़ी खराब होने के बाद सुधरवाना नहीं है, गाड़ी का रेगुलर चेकअप करना है। गाड़ी का जैसे ही आप रेगुलर चेकअप करते हैं आपकी गाड़ी लॉन्ग टर्म तक लंबे समय तक बड़ी आसानी से अच्छे से चलती है। छोटी छोटी तकलीफों को छोड़ दिया जाए तो बड़ी कोई भी समस्या नहीं आती। तो हेल्थ चेकअप क्यों नहीं करते? क्या आपके पास कोई जिम्मेदार डॉक्टर है? गैर जिम्मेदार भी बहुत सारे हैं। आपका कोई ऐसा डॉक्टर जो आपका फैमिली फिजिशियन हो? आप बहुत गरीब हो। यदि आपके पास एक अच्छा जिम्मेदार फैमिली फिजिशियन नहीं है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो लोग दुनिया में सच में बहुत गरीब हैं जिनके पास एक जिम्मेदार है फैमिली फिजिशियन नहीं है। आपको ढूंढना पड़ेगा एक जिम्मेदार फैमिली फिजिशियन और आपको इस मामले में अमीर बन जाना है। अमीर बन जाइए। अमीर बन जाइए का मतलब केवल पैसा नहीं है, अमीर बन जाइए हेल्थ के मामले में। आपको एक जिम्मेदार फैमिली फिजिशियन चाहिए जो आपको हर समय आगाह करता रहे। आपको आज से यह रूल बनाना है कि बीमार होने के बाद नहीं, बीमार होने के पहले ही मुझे पता चल जाए कि क्या मेरी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है जिसकी वजह से मुझे आगे जाके स्टोन हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है, क्या मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है जिससे आगे जाकर मुझे बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट अटैक की संभावना समझ में आ जाएगी, क्या आपको पता है कि आपकी थायराइड का लेवल कितना जा रहा है। यह पुराना जमाना था जब नस देखकर, नर्व देखकर, नाड़ी देखकर बताया जाता था। मैं नहीं बोल रहा हूं गलत है, पर मैं ये बोल रहा हूं कि जब इस जमाने में सारे टेस्ट उपलब्ध हैं तो भी नाड़ी के पीछे क्यों भागना, नाड़ी के पीछे भागिए, लेकिन नाड़ी देखने से ज्यादा जरूरी है पहले कंफर्म तो कर लो आपके खून में क्या चल रहा है, आपके खून में कौन सी गतिविधि है, कौन सी केमिकल एक्शंस रिएक्शंस चल रही है, आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। इम्यूनिटी बढ़ाने का, प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। आप बहुत सारी स्टडीज करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं नेट पे, यूट्यूब पे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, करते कुछ नहीं है। करना केवल यह है कि 6 महीने या साल में एक बार कम से कम अपना एक हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। और एक बात और बता दूं, ये किसी हेल्थ कंपनी से या किसी पैथोलॉजी कंपनी से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अब तो ऐसे ही वाले आने वाले हैं, अब ऐसी एनर्जी के साथ आने वाले हैं, चांटे पड़ेंगे अब सीधे थप्पड़, और थप्पड़ जाके लगेगा गाल पे नहीं, थप्पड़ जाके लगेगा दिल पे, क्योंकि दिल पे लगा हुआ थप्पड़ ना बहुत जोर के मार करता है। बात यदि दिल से निकली है ना और दिल पे पड़ी है तो दूर तक लगती है और बहुत देर तक लगती है। जब बीमार पड़ जाओगे तब जाओगे क्या, वो पुराने जमाने अलग थे, सारे चीज में मिलावट है, फल में मिलावट है, सब्जी में मिलावट है, खाने में मिलावट है, चावल में मिलावट है, दाल में मिलावट है, डॉक्टर तो अच्छा ढूंढ लो क्योंकि वहां पे भी मिलावट हो चुकी है। ऐसे लोग हैं, ऐसे सप्लीमेंट आपको बेच रहे हैं जो आपके लिए जहर है। तो आपके पास कम से कम एक फैमिली फिजिशियन, जिम्मेदार फैमिली फिजिशियन जो आपको ढूंढना है, ढूंढना पड़ेगा। आजकल बदमाशी बहुत चल रही है, इसलिए आपको एक जिम्मेदार फैमिली फिजिशियन ढूंढना है जो आपको यह बताए कि अभी यह कराओ और उसकी बात मानो, वो सच करेगा, सही करेगा और आपके हेल्थ के लिए अच्छा करेगा। आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे लेकिन ये वाला वीडियो ना ये आंखें खोलेगा, क्योंकि जब कोई बड़ी बात हो जाएगी उससे पहले चेक कर लो ना, हार्ट अटैक आने वाला है पहले चेक कर लो ना, यूरिन फंक्शन चेंज होने वाला है, यूरिन में इंफेक्शन आने वाला है पहले चेंज कर लो ना, चेक कर लो उसको।
आपका रीनल प्रोफाइल चेक कर लो, आपका लिपिड प्रोफाइल चेक कर लो, आपका एलएफटी चेक कर लो, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्या गड़बड़ हो रहा है, लैटिन ठीक क्यों नहीं होता, गैस बन क्यों रही है, एसिडिटी क्यों हो रही है, बीच में कभी एक बार एसिडिटी ज्यादा हुई तो एंडोस्कोपी करवाने में प्रॉब्लम क्या है, देख लो ना। नहीं मैं नहीं देखूंगा, पता चल गया तो, कैंसर हो गया तो, अल्सर हो गया तो क्या ठीक हो जाओगे? फायदा तुम्हारा है कि दूसरे का है? जब तुम्हारे फायदे की बात है तो तुम चेक क्यों नहीं करवाते हो? ऐसे छाती सीना तान के 56 इंच का सीना लेके जाके बताने क्या जरूरत है, मेरे को कुछ नहीं होता। जब आपको होगा ना उस समय आपके पास कोई नहीं होगा, केवल वो हेल्थ प्लान होगा जो आखिरी में आपका पेमेंट करेगा, पर हो सकता है एक किडनी ना मिले उसमें, क्योंकि किडनी तो जा चुकी है। जितने वीडियोस यहां पे आने वाले हैं या आ रहे हैं वो आपको यही तो समझाने की कोशिश करते हैं, पर थप्पड़ पड़ना जरूरी है। थप्पड़ जब दिल पे पड़ेगा बात दूर तक जाएगी। मेरा इस वीडियो को बताने का यही मतलब है कि इम्यूनिटी या प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने का इस वीडियो का मकसद क्या है। इस वीडियो का मकसद यह है हमारे शरीर को, हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करना है। कैसे होगा? प्रोटीन पाउडर खाने से? नो। हेल्थ सप्लीमेंट खाने से? नो। पहले पता करो, हेल्थ चेकअप करो, ब्लड टेस्ट कराओ, सीबीसी, ईएसआर, एचबी परसेंट, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, रीनल प्रोफाइल, थायराइड, ब्लड शुगर, खाली पेट का खाना खाने के बाद का, और HbA1c 6 महीने या साल में एक बार तो बीमा कंपनी भी करवाती है। क्यों करवाती है पता है? ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि इसको कोई तकलीफ तो नहीं है, अदरवाइज आगे जाके कोई लफड़ा ना हो और हमको ज्यादा पेमेंट ना करना पड़े। उनको जब इतना नॉलेज है तो आपको क्यों नहीं है? बीमा कंपनी के बीमा कराना गलत बात नहीं है, हेल्थ का बीमा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है बीमित व्यक्ति जो है उसको बीमा कराने के पहले अपने दिमाग का बीमा करवाना पड़ेगा, और अपनी बॉडी का आपको पहले पता कर लो ना, आपको किस्त पटाने की जरूरत क्या है। अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करो, अपनी कार में इन्वेस्ट करते हो, अपने मोबाइल के स्क्रीन गार्ड में इन्वेस्ट करते हो, अपने को गार्ड करने की इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, अपने खान पान पे ध्यान देना जरूरी है, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स खूब खाना है, पर यदि यही ठीक ना है तो फिर क्या करोगे? तो जो है नहीं मामा तो काना मामा भला, मामा नहीं है तो काना ही मामा भला, कम से कम उसी से काम चलाएं। पर जब वो भी है, वो भी यदि ठीक ना हो तो कैसे करोगे? तो फिर आपको अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना पड़ेगा, और लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने हेल्थ चेकअप पे ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ चेकअप रेगुलर करवाइए। यदि मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई तो आपको तो कोई भगवान ही बचा सकता है, फिर वही मालिक है, क्योंकि सबका मालिक तो वही है और जाना उसी के पास है, आए वहीं से हैं, जाना वहीं पे है, पर जल्दी ना जाएं। इसीलिए हेल्थ चेकअप जरूर करवाते रहें, क्योंकि आप बहुत सस्ते में अवेलेबल है, बहुत सस्ते में अवेलेबल है, इतना भी कि आपको साल भर की वो महीने भर का वो आपका प्लान होता है ना, जिसमें आपको एक्सीडेंट हो गया तो मरने के बाद आपकी फैमिली को 500 रुपए पटाओ, तो महीने भर का, साल भर का 6000 हुआ, तो आपके फैमिली को 1 करोड़ का बीमा मिलेगा, ऐसे वाले प्लान चलते हैं ना, तो 500 रुपए से ज्यादा का तो मोबाइल पे बात हो जाती है। तो 500 रुपए का यदि आपने 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट करवा भी लिया तो समस्या क्या है? आजकल तो बहुत सारे प्लान आते रहते हैं, तो भाई करवा लो, चेक करो और पता करो आपकी बॉडी में क्या कम है, वो वाला खा लो, उस चीज को खा लो, उस विटामिन को खा लो, उस मल्टी विटामिन को खा लो, उस मिनरल को ले लो, दूध कैल्शियम कम हो रहा है दूध पीना चालू कर दो, विटामिन सी कम है तो नींबू खाना चालू कर दो, संतरा खाना चालू करो, मौसम्बी खाना चालू करो, विटामिन ई स्किन के लिए, हेयर फॉल हो रहा है स्किन के लिए आपको विटामिन सी विटामिन ई जरूरी है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है विटामिन B12 आपका बढ़ जाएगा, नसें कम जरूरी है विटामिन B12 कम आ रहा है B12 बढ़ा दो, पूरे मल्टीविटामिन चालू कर दो, न्यूरोबियन न्यूरोकाइन टाइप की मेडिसिन आती है, ये इसी वजह से तो है। तो सब कुछ विटामिन जैसे जैसे जाएंगे आपको पता ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं हो खूब सारी दवाई खाना चालू कर देते हैं, पता चला बाद में थोड़ा सा विटामिन डी की कमी थी, विटामिन डी ठीक हो जाता तो कैल्शियम भी ठीक हो जाता। तो पता कीजिए, पता करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी पूरी जिंदगी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, आपके खुद के लिए महत्वपूर्ण है, आपके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, वो बहुत जिम्मेदारी से कटेगी। यदि आपको लगता है कि आप किसी की केयर करते हैं और अपने खुद की केयर करते हैं, अपने परिवार के लोगों की केयर करते हैं, तो खूब जम के शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो तूफान लाएगा। पता सबको है, करता कोई नहीं, मैं रिमाइंड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।